हेलो फ्रेंड्स, दस्तरखाने वारसिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं शाहिदा वारसिया नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंगोश। मूंगोश बनाने के लिए हमने यहाँ पर 600 ग्राम ये बकरे का गोश्त ले लिया है और कुछ मसाले हैं यहाँ पर। जैसे जैसे मैं डालूंगी वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊँगी। तो यहाँ पर पहले मैं 400 ग्राम ये अक्खा मूंग ले रही हूँ, जिसे मैं इसमें पहले भून लूंगी। ये देखिए आप, इस तरह से ये 400 ग्राम अक्खी मूंग है। ये इस तरह से धीमी आंच पे इसे अच्छे से पहले भून लेना है। यहाँ पर हमने थोड़ा आंच तेज करके इसे भून लिया है और इसकी अब खुशबू आने लगी है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, गैस को धीमा करेंगे और इसे पानी डाल देंगे। ऐसा पानी फौरन डाल दें और इस पानी को हम फेंक देते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो आप देखें यहाँ पर मैंने पानी फेंक दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास दूध और ऐसे ही 3 गिलास पानी। 1, 2 और ये 3, यानी ये टोटल दूध 1 गिलास था और 3 गिलास पानी डाल दिया अब इसमें और आंच कर देंगे तेज। और 1 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी, 1 टेबल स्पून डालेंगे नमक और डालेंगे ये। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने कुछ 6 हरी मिर्ची छोटी छोटी थी तो मैंने 2-2 पीस में काट ली और ये 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये 1 छोटे साइज का प्याज है। तो हम इसको ऐसे ही डायरेक्ट प्याज को ऐसे ही रख देंगे और इसको इस तरह से डाल दिया और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल ताकि ये अच्छे से गल जाए और थोड़ा सा ऑयल जो है हम इसके ये ढक्कन के लीड के पीछे लगा देंगे ताकि इससे दूध और पानी बाहर ना आए। इस तरह से ऑयलिंग करने से ना बाहर नहीं आता है। और इसको लगा देंगे गलने के लिए, रख देंगे। पहले एक आंच तेज सीटी आ जाएगी तब हम इसे धीमा करके गलने तक के रखेंगे। वो मैं आपको बताऊंगी मैंने कितना देर धीमा करने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर हमने 150 मिलीलीटर ऑयल ले लिया है और ये तेल गरम हो चुका है। तब हम ये प्याज को डाल के लाल कर लेंगे। हमें ये थोड़ी लाल प्याज चाहिए, तब तक के इसको पकने देते हैं। ये खाना लखनऊ का खास खाना है जो कि शादी ब्याहों में पकता है, बड़े बड़े फंक्शनों में पकता है। ये मूंग गोश्त चावल से खाया जाता है। वहाँ के लोगों की ये बहुत ही खास डिश है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे मैं बताऊं वैसा आप भी बनाएं, ये बहुत ही बेहतरीन खाना है। आप इसे बना के और खा के देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। प्याज हमारी लाल हो गई है तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये प्याज को हम आखिर में सर्व करने पे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। ये हमने गोश्त बघारने के लिए प्याज ली है। एक बड़ी प्याज है, बड़े साइज की एक ही है और ये छोटा एक दाना दालचीनी है, 2 लौंग है, थोड़े से दाने काली मिरी के हैं और 2 बादियान के दाने हैं और 3 ये तेज़पात है। तो हम यहाँ पर सबको डाल देते हैं और इसे भी हम लाल करने तक पकाएंगे। सीटी हमारी आ गई है, हम इसे धीमा आंच कर रहे हैं और इसको कम से कम मैं इसे 1/2 घंटा पकने रखूँगी। 1 कुकर में हमारा गोश्त गलने के लिए हमने रख दिया है और दूसरे में दाल गल रही है। ये दोनों जब तक हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे, ये मसाला पीस लेते हैं। ये जब दोनों हम दाल और गोश्त मिक्स करेंगे उसके ऊपर से बलकने पर जब वो आपस में उबलेगा उसमें हम उस वक्त ये मसाला डालेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा है और ये 4 समझ लीजिए कि पिंच है, ये जायफल, 6 लौंग है, 3 छोटी इलायची और ये 1/2 फूल जौत्री का है और 1 फूल बादियान के और कुछ दाने काली मिरी के हैं।
ये हम इसके साथ ही पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 ये लिए हैं पिस्ता, 8 बादाम, 8 काजू और ये 2 बड़े चम्मच ये नारियल के बुरादा है जो खिसा हुआ है, और यहाँ 1 मुट्ठी मखाना और 2 चम्मच दही मिलाएंगे। देखें आप सीटी आ रही है, हम इसको धीमा कर दे रहे हैं और ये 20 मिनट धीमे पे पकेगा ताकि ये अच्छे से गल के निकल जाए। और ये जो हमने अभी बताया था कि ड्राई फ्रूट और गरम मसाला पीस रहे हैं उसमें हम जीरा बताना भूल गए थे, तो ये 1 टीस्पून है, तो ये भी हम इसमें पीस लेते हैं। यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट और सभी गरम मसाले एक साथ पीस लिए हैं दही के साथ, और ये अब जब हमारे गोश्त और दाल गल जाएगा तो उसी में हम डालकर ये मिक्स करेंगे। दाल हमारी हो गई है तो अब देखते हैं। देखें आपने 3 गिलास पानी और 1 गिलास दूध के बाद भी ये पूरा पानी सोख ली है और बिल्कुल जली वली नहीं है, एकदम सही गल चुकी है। अब हम इसे मैश कर लेते हैं। ये मैंने मैशर ले लिया है, देखें कितना अच्छे से ये हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास जैसे मुझे चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि ये दाल जो है गाढ़ी होती है, बहुत पतली नहीं खाई जाती। तो मैं इसे अच्छे से मैश कर लेती हूँ। आप देखें ये इस तरह से मैंने मैश कर लिया है, इसमें दाल खड़ी बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। तो ये यहाँ पर ये हो चुका है, तब हम अभी इसे गोश्त देखते हैं। गोश्त हो गया है कि हमारा, इसकी भी गैस निकल चुकी है तो अब हम इसे भी खोल के देख लेते हैं। ये देखें ये इस तरह से हुआ है, तेल छोड़ चुका है, पूरा मसाला भुन चुका है, तो इसे हम देखते हैं ये गल गया है। देखिए आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा ये गल गया है, बिल्कुल हमें ऐसे ही चाहिए था। तो ये 20 मिनट पकाने पर इस तरह से ये गला है, और ये 35 मिनट पे मैंने इसे गैस बंद कर दिया था और पूरी गैस निकलने के बाद खोला है मैंने ये भी और ये गोश्त भी, तो आप भी ऐसे ही करें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको या तो इसमें मिलाएं या इसको इसमें मिलाएं। तो मुझे लगता है ये कुकर बड़ा है तो मैं इसमें मिला लेती हूँ, तो हम इसमें डाल लेते हैं। इस तरह से इसे मिला लें, और इसे पकने को रख देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे ये मसाला भी डाल देते हैं। इसका ऑयल थोड़ा सा हम निकाल लेते हैं, जब सर्व करेंगे तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा बस। देखिए ये अभी बहुत गाढ़ा है, तो अब इसे हम थोड़ा सा पहले तो ये मसाला डाल देंगे जो ड्राई फ्रूट और गरम मसाला है, इसी में थोड़ा पानी धो के डालेंगे। जार में जो मसाला लगा था मैं इसी को धो के डाल दे रही हूँ तरह से, धीरे धीरे चलाएं ताकि गोश्त जो है वो एकदम मिक्स ना हो जाए, क्योंकि हमारा गोश्त है बहुत अच्छे से गल चुका है। और यहाँ पे जब ये बलकेगा खोलेगा तो हम इसमें नमक टेस्ट कर लेंगे, तब तक इसे धीमे धीमे भी हम पहले अच्छे से मिक्स होने तक पकाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें डाल दिया है, क्योंकि जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये गाढ़ा भी होता जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमने इसे कंटिन्यू चलाना है, वरना नीचे पकड़ ना ले, जल जाएगा तो इसका मज़ा ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पर नमक टेस्ट कर लेती हूँ, नमक कम है तो मैं यहाँ पर ये 1/2 टीस्पून से समझ लीजिए 1 टीस्पून मैंने नमक और डाल दिया है, फिर मैं इसको खौलाने के बाद चख लूंगी। ऐसा आप भी करें, और आपको जितना पतला गाढ़ा रखना है आप अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे जैसा कर रही हूँ वैसा हो, क्योंकि ये जमने ठंडा होगा तो ये जम जाएगा और उस वक्त बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे, और जब ये खौल रहा है ना तो इसे फिर धीमे भी हम थोड़ा देर छोड़ देंगे ताकि ये सब मसाले और ड्राई फ्रूट्स के जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं सब अच्छे से मिक्स हो जाए, आपस में एकजुट हो जाए।
ये देखिए हल्के हल्के बुलबुले आ रहे हैं ना, ये दही डालने की वजह से हुआ है, इसलिए इसको हमें अभी ये जब खोलेगा ना तो इसे धीमे पे और पकाना है ताकि ये सब खत्म हो जाएगा फिर। और टेस्ट तो माशाल्लाह इतना अच्छा है कि ये खुशबू से ही मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा जायके से बना है। तो नमक मैं एक बार और चख लेती हूँ। अब एकदम परफेक्ट नमक हुआ है और इसका तीखापन जो है और जो मसाले अभी हमने डाले हैं उसके साथ ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो आप भी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए अब ये खोलने लगा है तो अब हम इसे धीमा करेंगे, तो धीमे पे कम से कम 10 मिनट इसको धीमे धीमे पकने देंगे ना तो ये एकजुट हो जाएगा जैसा कि हमें चाहिए। देखिए ये इस तरह से कितनी गाढ़ी हो गई। देखें तो अब हम इसमें ये घी डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच घी, तो ये इसकी खुशबू बहुत और बेहतरीन हो जाएगी। ये लास्ट हमारा हो गया, अब हम इस गैस को कर देते हैं बंद, पक चुका है। अब मैं इसे सर्व करके बताती हूँ आपको। ये देखें इस तरह से हमने यहाँ पे रख दिया है। इस पे हम वो तरी डालेंगे जो हमने थोड़ी सी निकाल ली थी। ये देखें इस तरह से एक नींबू रख देंगे, एक मिर्ची दे देंगे इसमें यहाँ पर, जिसे तीखा खाना पसंद हो वो खाए। और ये प्याज है जो प्याज इसके साथ खाना ज़रूरी है, तो यहाँ पर हम कुछ प्याज रख देते हैं। ये प्याज में क्या होता है, नींबू डालना ज़रूरी होता है। तो ये इस तरह से ये पूरा खाना है हमारा तैयार हो चुका है। इस पे डालेंगे हम ये तली हुई प्याज। हल्की सी बस। ये हमारा खाना सर्व हो गया है। आप देख सकते हैं कितना झटपट पका है। इतनी वैरायटी इसमें मसाले पड़े हैं, ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं और ये कितना जल्दी बन गया क्योंकि हमने दो कुकर इस्तेमाल किया। और एक तरीका जो ट्रिक दिखाया आपको वो शॉर्ट तरीका था। और ये बहुत ही लजीज और टेस्टी लखनवी खाना है मूंग गोश्त। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।